हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रतिभा। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल क्रिज फन एंड लर्न में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक न्यू एक्टिविटी नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए। इसे आप ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी कह सकते हैं। तो चलिए, ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने एक ब्लैक कलर से इसको ड्रॉ कर लिया है। इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी शेप जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चे को पसंद हो। मेरी बेटी को मैंने पूछा उसे, तो उसने बोला कि मामा फिश ड्रॉ कर दो, इसलिए मैंने इसमें फिश कर दिया। और इसमें इसे छोटे छोटे मैंने सर्कल यहाँ पर बना लिए हैं। और सर्कल में 1 से लेकर मैंने 10 तक नंबर्स के डॉट बना दिए हैं। जैसे ये 1 है तो 1 ऐसे करके मैंने 10 तक इसमें बना दिया है। और इस तरह से मैंने कलर पेपर से कटिंग करके सर्कल्स के इसमें 1 से 10 तक मैंने नंबर्स को लिख दिया है। आप चाहे तो आपके पास कलर पेपर ना हो तो आप ऐसे ही पेपर को कलर करके अलग अलग कलर से आप उसमें इस तरह से नंबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पेपर सारे कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे बच्चे को बोलना है कि यहाँ पे कितने डॉट्स हैं काउंट करो। तो बच्चा काउंट करेगा 1 और यहाँ से 1 को फाइंड करेगा। 1 को फाइंड करके यहाँ पे ऐसे स्टिक करना है। तो आप चाहे तो स्टिक कर सकते हो, या तो आप इस एक्टिविटी को आप रीयूज़ कर सकते हो, बाद दोबारा भी इसको आप करा सकते हो। इसलिए मैंने ये बिना ग्लू के ही करवाया है, स्टिक नहीं करवाया है। बस अपनी डॉटर से ऐसे मैंने यहाँ पर शेप को नंबर्स कैसे रखवाए हैं। 2 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो यहाँ पे 3, ऐसे करके ये सारे आपको ऐसे ऐसे करते जाने हैं। सारे डॉट पे काउंट कर करके नंबर्स को ऐसे रखते जाने हैं। इस तरह से आप भी एक्टिविटी करवाइए। आई होप कि आपके बच्चे को ये एक्टिविटी ज़रूर पसंद आएगी। सेकेंड एक्टिविटी है फाइंड पाथ एक्टिविटी। इसमें मैंने एक कैट बना दिया है, यहाँ पे एक बाउल बना दिया और रास्ते बना दिए हैं। इस तरह से बच्चे को रास्ता यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ से फाइंड करते हुए इसे ऐसे आना है। तो इस तरह से आप सबके बच्चे को बताना है कि बेटा आप इसमें रास्ते को फाइंड करो, और वो इस तरह से फाइंड करेंगे। आप ये एक्टिविटी 2-3 बार उनसे करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मेरे बच्चों ने इसे तो बहुत ही अच्छे से किया। आई होप कि आपके बच्चे को भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी। ये एक्टिविटी है, इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप बना लिया है। आप चाहे तो इसमें कोई सा भी शेप बना सकते हो, चाहे ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा दाएं बाएं या स्लांटिंग, जैसी ही आपको पसंद है। इसमें कई 2-3 तरह के आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से जिग जैग ऊपर नीचे करके बनाया है। और बच्चे को आपको इस तरह से दोनों हाथ से इसको इस एक्टिविटी को ऐसे करवाना है। यहाँ पर ऐसे बच्चा अपना हाथ रखेगा और इस तरह से बच्चे को ऐसे ऐसे करके लेके जाएगा। एक शेप जो है मेरा ये डिफरेंट है और ये वाला शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो दोनों साइड से एक्टिविटी करेगा तो उसका बच्चे का दिमाग, दोनों साइड का दिमाग उसका अच्छे से वर्क करेगा। और दोनों में अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें थोड़े बड़े बड़े ये कर्व हैं, इसमें थोड़ा सा इसका कर्व जो है छोटा है। इस तरह से ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे को 15 से 20 बार करवाइए डेली। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और आपके बच्चे का ब्रेन भी बहुत अच्छे से डेवलप करेगा।